चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे घर पे एक छोटी सी ढोलकी होने वाली है। कजन्स आ रहे हैं छोटा सा गेट टुगेदर करने के लिए, तो उसके लिए हमने थोड़ी प्रिपरेशंस की हैं। फिर मुझे थोड़ा सा काम करना है, मेहमानों को देखेंगे कि क्या सब होता है। कुछ कजन्स वगैरह आ रहे हैं तो ज़्यादा हमें बड़ी ढोलकी नहीं करनी, बस आज छोटी सी गेट टुगेदर हो रहा है तो हम उसकी प्रिपरेशंस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं खाना बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मुझे बस थोड़े से दही वाले आलू फ्राई करना है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, इस वजह से मैं जल्दी से इनको फ्राई करके देन शावर लूँगी। अभी मैं इसके अंदर सारे आलू ऐड कर दूँगी, फिर मैं जल्दी से मसाला बनाकर और इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अभी ये थोड़ा सा सब कुछ ना रीफ़िल करना था, मैंने रीफ़िल भी कर लिया और अब मैंने ये मसाला दही के साथ मैंने मिक्स करके मसाला बनाया है। ये सारे कुछ मसाले थे जो कि मैंने रेसिपी से ही देख कर बनाए थे, बहुत मज़े का बना था। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ईशान अभी अभी कार्ड्स के सैंपल लेके आया है तो अब हम इसमें से इन दो में से फाइनलाइज करेंगे कौन सा है। वहाँ पे बहुत सारे थे लेकिन ये दो सबसे अच्छे अभी के लिए मुझे फाइनल करें हम लोगों रानी भाभी के लिए। नहीं, मेरे लिए नहीं, अभी अरीबा के लिए फाइनलाइज हो रहा है। अब इसके लिए ये वाला मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है लेकिन अभी हम बता नहीं, लेकिन ईशान को ये वाला आ रहा है। वो कह रहा है कि उसको सिर्फ यही वाला कराना है, वो मान नहीं रहा, लेकिन हम लोग भी यही वाला करा के रहेंगे। इधर ना फाइट चल जाती है हमारे घर में, ना फाइट हो जाती है। भाई को कुछ और पसंद आ जाता है और हम लोगों को कुछ और भाई को बहुत जबरदस्ती मनवाना पड़ता है कि जो हम कह रहे हैं वो मान ले। इतनी मेहनत से हमने बोला ये सैंपल्स लेकर आ जाओ तो हम फाइनल कर लेते हैं, ये वो तो वही यही वाला फाइनल कर जाए। ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसका वीडियो में फोटो में कौन सा ज्यादा अच्छा रहा? यही अच्छा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है या ब्लू वाला अच्छा लग रहा है। कौन है ये? दिलशाद हुसैन बेटा, हमारे दूल्हे का नाम बदल गया। एक तुम्हारे लिए पसंद किया हमने, अब तुम पसंद कर दो यार। ये बहुत प्यारा आ रहा है फोटो में वैसे। अच्छा, मैं अपने ड्रेसेस पहन पहन के थक गई हूँ तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ अलीशा भी और अलीबा भी का देख लूँ, कि उनके पास से देखती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। तो अभी मैं इन्हीं के पास आ गई हूँ वार्डरोब में, मैं चेक कर रही हूँ कि मुझ पर आज के दिन क्या ठीक लगेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और बस मैं थोड़ा कोई लॉन्ग का ही ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ, फिर मैं रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो मैंने अभी हरी बापी का ड्रेस निकाल लिया जो मैं पहनने वाली हूँ और ये लिनन का है, बहुत मज़े का है, गर्मियों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी मैं जल्दी से जाकर चेंज करती हूँ और मैं डायरेक्ट तैयार करके दिखाती हूँ आप लोगों को शावर लेकर। और अब मैं अपना कुछ स्किन केयर करने लगी हूँ। मैंने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, अब मैं बस थोड़ी सी टेंट लगाऊंगी और इससे थोड़ी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक आ जाती है। इस वजह से मैं इसको लगाने के बाद कुछ भी नहीं लगाती, ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पता चलता कि आपने कोई मेकअप किया हुआ है। और ये मेकअप भी नहीं है बल्कि बहुत लाइट सा टेंट है तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, इस वजह से मैं इसको लगा लूँगी और बस, और कोई मेकअप तो खास करना नहीं है। अच्छा, अभी हम इन सारी डांडियों पर जो है ना टेप लगाने लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही हैं। ऐसे ऐसे करके मैं इसको यहाँ पर टेप लगा दूँगी ना तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगी, तो फिर हम इसके साथ अच्छे से खेल सकते हैं। लेकिन अभी ना इसके ऊपर वॉशी टेप जो लगा हुआ है ना ये सारा निकले जा रहा है और ना हमसे खेला जा नहीं रहा है, तो जल्दी से अभी मैं इस पर टेपिंग करती हूँ। मिरोप आप लगा दो, मैं थक गई। आपको आता है लगाना? पकड़ो पकड़ो, अब लगाओ। आपको आता है लगाना? नूर से हेल्प ले लो, नूर हेल्प करवा देगी आपकी। आप तो फेल हो गई। ये हरी बापी की कुछ क्रिएटिविटी हो रही है यहाँ पर जो कि स्टार बनाना चाह रही है लेकिन स्टार बन नहीं रहा है। आ,
अलमीरा वानिया को भी खिला लो। ईशान के लगने वाली है ऐसा। अभी हम अपनी आनी और मामी को उनके घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी सी और तो थोड़ी तो रेस मारो उड़े तो इधर उड़े चलिए निकाल दे। और खाना आ चुका है, अब जल्दी से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, सुबह हो चुकी है लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है। और अभी मेरी पप्पो मुझे देने लगी है देसी अंडा बॉयल किया हुआ, वो मेरे लिए लेने गई हैं अभी किचन में, तो जब वो लेकर आ जाएंगी फिर मेरी होगी सुबह। ओके सो गुड मॉर्निंग। और अभी अभी हम सब उठे हैं और घर की सफाई वगैरह हो रही है क्योंकि रात में फिर से ढोलकी है। और आज हम इस सामने वाली वॉल पे इधर डेकोर करेंगे अच्छा सा प्यारा सा। अभी जल्दी जल्दी सफाई करवाती हूँ फिर रात को सब आ जाएंगे। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं दादी को लेने के लिए ईशान भाई के साथ। इन लोगों को मैंने बोला निकल जाओ, मैं कार के पास खड़ी हूँ और ये लोग की बातें नहीं खत्म हो रही। ईशान भाई जल्दी आओ। हम रात के इस टाइम यहाँ पर आए, डेकोरेशन की शॉप क्लोज हो चुकी है लेकिन हम इनसे कह रहे हैं आप हमें एक ढोल देने और यहाँ पे काफी ज्यादा सन्नाटा हो रहा है, बस हम ढोल पकड़ेंगे फटाफट। वो बेचारे सो गए थे लेकिन हमें ढोल चाहिए तो भाई प्लीज दे दो अंकल। अभी शाम भी और आशर लेने गए लेकिन वो लोग उस तरफ हैं, ये अंकल सो रहे थे। अभी ढोल आ जाएगा फिर हम घर में जाकर मजे कर सकते हैं। शुक्र है एक शॉप मिल गई, हम कब से यहाँ पूरे कराची में घूम रहे हैं लेकिन वैसे एक ये शॉप में अंकल सो रहे थे, और लग रहा मिल जाए जल्दी से। ढोल ले लिया तो ये लोग बलून लेने चले गए डेकोरेशन के लिए। दो तीन दिन से हम डेकोरेशन का प्लान कर रहे हैं लेकिन आज ही हमें सारी चीज़ें ढूंढनी, वो भी इस टाइम हमें सारी चीज़ें ढूंढनी है। अब यहाँ पर हम आए ग्रीन और वाइट, ये ग्रीन और येलो बलून लेने। सही से करती है मैं बिल्कुल।